नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम रुड़की के पवेलियन ग्राउंड में, और आपको बता दें यहां पर जिला प्रशासन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें यहां पर लोकल जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनके यहां पर छात्राओं ने प्रतिभाग कराया, और यहां पर जो सेना के जवान हैं उन्होंने भी इस मैराथन में भाग लिया। आपको बता दें जिला प्रशासन ने 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की यहां पर दौड़ करी है, जिसमें अलग अलग वर्ग के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग करा है। आपको बता दें यहां पर विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की भी घोषणा प्रशासन के द्वारा की गई। आपको बता दें कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के जो हमारे नए मतदाता हैं उनके लिए, उनको अवेयरनेस और जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। आपको बता दें जो रुड़की बीजी के ब्रिगेडियर है राजेश भट्ट सर, वो भी यहाँ पर है, और साथ ही आपको बता दें जो वीडियो प्रतीक जैन जी हैं, और यहाँ पर की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शास्त्री जी, और यहाँ पर अन्य अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें साथ ही यहाँ पर कई बैंक के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। आइए, हमारे साथ मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन सर हैं जिले के। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपने 48 मिनट के अंदर इस दौड़ को पूरा करा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि दौड़ अगर स्टार्ट करिए तो उसे पूरा किया जाए। भले ही आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 21 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, और सब अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने अपने टैलेंट के हिसाब से दौड़ में प्रतिभाग किए। मैं सभी को पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि वो सबसे पहले उठ के यहाँ पर आए, बिकॉज हेल्थ के लिए जागरूक होना, एक्सरसाइज करना एक बहुत अच्छी हैबिट है। और इस एक्सरसाइज और इस मैराथन के माध्यम से हम सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द ही लोकसभा निर्वाचन चुनाव आने वाले हैं 2024 के चुनाव में। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सब जिन्होंने भी अभी तक वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो वोटर रजिस्ट्रेशन करें, और अगर आप एज वोटर्स रजिस्टर्ड हैं तो ज़रूर जब मतदान का दिन आए तब अपना मतदान देने ज़रूर जाएं। ये हमारा लोकतंत्र में, हमारा नागरिक होने के लिए हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा अधिकार भी है। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत अच्छे से, जिस तरह से उन्होंने इस मैराथन में प्रतिभाग किया है, उसी तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी प्रतिभाग करें। सर, रूरल एरिया अर्बन एरिया में देखते हैं काफ़ी परसेंटेज कम एक दूसरे को देखे डिफरेंस मिलता है, उसको कहाँ से सही समझते हैं? देखिए, रूरल एरिया और अर्बन एरिया ऐसा डिफरेंस नहीं है, हालांकि बहुत जरूरी है कि अर्बन एरिया में भी जहाँ पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे हरिद्वार के जो सीडीओ है कोशिश रहती है कि हम जितने ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं हम वो क्रिएट कर सकें, ताकि बच्चों का रुझान जो स्पोर्ट्स की तरफ है वो और ज्यादा बढ़ सके। तो ये थे हमारे साथ सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन जिन्होंने ये जो रन फॉर वोट, रन फॉर डेमोक्रेसी जो आयोजित किया जा रहा है, ये जो हमारे रुड़की के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं और बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप की तरफ से इसको आयोजित किया जा रहा है। बेसिकली वोटिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करना, इसके मद्देनज़र रखते हुए इसको किया जा रहा है। हम आज बहुत खुश हैं कि इतना अच्छा रिस्पांस हुआ है। इसमें ऐसे कई हैं जो पहली बार इस साल वोटिंग करेंगे, और ऐसे काफ़ी बच्चे भी हैं जो इस मैसेज जो हम देना चाहते हैं इससे प्रोत्साहित होकर आगे हमारे डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो बेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं वो सफलतापूर्वक इसको कंप्लीट करें। सर क्या कहना चाहेंगे यूथ के लिए, क्योंकि यूथ जो है आजकल काफ़ी व्यस्त है वोटिंग करने से कि इतना टाइम नहीं है, या वुमेन जो है घर के काम देखती है, पहले बोलती है काम देख लेंगे बाद में वोट कर लेंगे, उन लोगों के लिए क्या कहना? तो मेरा इनके लिए यही एडवाइस होगा कि वोटिंग हमारे डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। ये एक हमारे हाथ में पावर है जिससे हम बेस्ट कैंडिडेट्स हमारे जो हैं हमारे बीच में उनमें से सिलेक्ट करके हमारे देश को रन करने के लिए हम उनको तैयार कर सकते हैं, और ये एक पावर है डेमोक्रेसी का, जहां पर हर आम आदमी के हाथ में रहता है कि किसको वो सिलेक्ट करे, और हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और साथ ही साथ हमारे लिए ये एक अथॉरिटी है जिसको हमें हमेशा इसको एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं सभी हमारे जो यंग वोटर्स हैं इनको प्रोत्साहित करूंगा कि टाइम निकाल के जाकर वोटिंग पक्का करें। सर यहाँ पर ये देख रहे हैं काफ़ी सेना के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर हैं, और काफ़ी लोकल लोग हैं उनको लेकर। हाँ, सेना के लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, और लोकल हमारे जो
एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हम साथ में मिलकर अपने डेमोक्रेसी को हमेशा स्ट्रांग बनाए। ये हमारी रुड़की हाफ मैराथन है। हमारे एक एम था कि रुड़की के सभी लोग और आसपास हरिद्वार के बल्कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और हम इस मैराथन के थ्रू एक मैसेज देना चाहते थे कि हमारे इलेक्शंस और उसमें वोटिंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारी मैराथन में बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड हम चाहते हैं कि इसमें इस मैराथन के थ्रू हम सभी तक ये मैसेज करा पाएं कि आप लोग आने वाले चुनाव में ज़रूर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। सर, हम देखते हैं कि आजकल का युवा जो है वोट करने से बचता है, उनको लेकर क्या संदेश है? मेरी तरफ से एक ही मैसेज रहेगा सबको, डेमोक्रेसी की सबसे इसेंशियल पार्ट है इलेक्शंस और वोटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि आप आने वाले चुनावों में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें और अपनी सरकार चुनें जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। तो सर, हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी युवा जो हैं और कभी कभी गर्ल्स भी यहाँ पर हैं, तो सर ये कहाँ कहाँ से हैं, लोकल हैं या फिर आर्मी से भी? हमारे यहाँ टोटल 2800 रजिस्ट्रेशन हुई थी पिछले कल तक। यहाँ पे मिक्स है, हमारे आर्मी के बहुत कम लोग हैं, 400 लोग होंगे, बाकी हमारे यहाँ की लोकल जनता है, लोकल स्कूल्स के पार्टिसिपेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ बाहर से भी आई है जो बताया गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारी मैराथन में बढ़ चढ़कर काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सर, तो फ्लैग को फोन करने कौन आया सर? हमारे स्टेशन कमांडर होंगे यहाँ पे जो BEC के हैं, एंड हमारे CDO सर हैं जो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। DM सर वगैरह का कुछ इम्पोर्टेंट काम होने की वजह से वो नहीं आ पाए यहाँ पे आज। सर, आज कौन आया उनके लिए? CDO सर उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं हमारे पास यहाँ पे, वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और इतना इम्पोर्टेंट मैसेज भी उनके थ्रू जाएगा कि वो यंग ऑफिसर खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेस में, तो उनको देखते देखते मुझे लगता है कि और लोग भी काफ़ी इंस्पायर होंगे। ये तो दौड़ है जिला प्रशासन की तरफ से करवाई गई है सर? ये जिला प्रशासन और बहुत सारी एजेंसी जो है उनके साथ मिलकर ये दौड़ को हम करा रहे हैं। सर, इसमें जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर जब इसकी शुरुआत हुई तो हम काफ़ी 6 महीने से कोशिश कर रहे थे कि हमें एक मैराथन कराने जिसमें आर्मी, IIT, कैंटोनमेंट बोर्ड, नगर निगम, जिला के पूरे सारा प्रशासन सब लोग मिलकर कराएं, ताकि रुड़की में 2-3 ही चीज़ें हैं, IIT है, कैंट है और जिला प्रशासन है। तो ये सभी लोग मिलकर आके आए, 135 ब्रिगेड और BEG भी साथ में आई, क्योंकि रिसोर्सेज कुछ आर्मी के पास हैं, फाइनेंशियल थोड़े से डिस्ट्रिक्ट से लिए, तो कुल मिला के फिर हमने और सबने मिलकर किया, तो इसीलिए शायद बेहतर भी हो पाए। सर, हम देखते हैं कि वोटिंग होती है जो अर्बन और रूरल एरिया में काफ़ी अंतर नजर आता है, काफ़ी अंतर नगर देखने को मिलता है कि युवा जो है वो शहर में बसता है, इसीलिए मैराथन कराई गई ताकि युवाओं को अवेयर किया जाए कि अगर वो यहाँ के रहने वाले नहीं भी है, जैसे IIT के छात्र लगभग 3-4 हज़ार छात्र हैं जो यहाँ पे रहते भी यहाँ रहते हैं, उनका वोटर कार्ड नहीं, तो कैसे उनका वोटर कार्ड बन सकता है, कैसे वो एलिजिबल हो सकते हैं वोट देने के लिए, इसी अवेयरनेस के लिए हमने मैराथन कराई। ये चल रही है यहाँ से पवेलियन ग्राउंड से लेकर कलियर तक, कलियर से वापस यहाँ पर, तो टोटल 21 किलोमीटर की है, एक 10 किलोमीटर की और एक 5 किलोमीटर की, हर कैटेगरी में प्राइसेस है। लगभग 3,000 से 3,500 प्रतिभागियों की उम्मीद है हमें पार्टिसिपेट करने की, और जिस तरीके से आप देख भी पा रहे हैं इतने 3,500 प्रतिभागी हैं इसमें। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इसके लिए स्वीप के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर और यहाँ पे जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के निर्देशन में ये सारे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें करीब लगभग 3,500 प्रतिभागी आज लोकतंत्र के लिए दौड़ेंगे, और इसके माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं कि सभी लोग लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हो और आगामी चुनाव में वोट अवश्य दें। अच्छा, एडजस्ट साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो अभी नए वोटर बनने जा रहे हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है और चलाया भी जा रहा है, लेकिन जिनकी वोटर आईडी वगैरह खो जाती है वो कैसे बनवा पाए? देखिए, जिनकी वोटर आईडी खो जाती है उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन प्रोविजन करता है, उनको भी वोट डालना मिल जाता है, उनको वोट डालने से वंचित नहीं किया जाता, उसके लिए प्रोविजंस हैं और सभी वोट डालें लोग, मतलब इसमें संदेश इस कार्यक्रम का यही, सभी लोग वोट डालें, अगर आपका वोटर आईडी खो भी जाता है तब भी आप वोट डाल सकते हैं। तो हम सभी से अपील करते हैं कि निश्चित तौर पे अगले लोकसभा में चुनाव में सभी लोग बूथ पर उपस्थित होकर अपने चुनाव बूथ पर वोट डालें। सबसे पहले तो जय हिंद एवरीवन।
मेरा नाम कैडेट प्रभाकर बड़ोला है और हम आज एनसीसी स्क्वाड्रन की तरफ से सारे के सारे हमारे जितने भी साथी कैडेट्स सब यहाँ पर आए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम हाफ मैराथन में, जैसे हमने पिछली बार भी पार्टिसिपेट किया था और हमने रेस क्वालिफाई करी थी, तो इस बार भी हम 5 से 10 किलोमीटर कैटेगरी में भी भाग रहे हैं और 5 किलोमीटर और 21 किलोमीटर में भी हमारे काफी सारे कैडेट्स हैं। तो सब भागना क्यों जरूरी पड़ रहा है आज यहाँ पर? एक तो सबसे पहले तो हमारी बेसिक फिटनेस के लिए जरूरी है भागना, दूसरी बात हमारा जो एनसीसी में बोलते हैं कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो यूनिटी मेंटेन करने के लिए भी हमें सभी को साथ में भागना चाहिए और साथ ही साथ अपनी फिटनेस और अपने ग्रुप को लेना चलना चाहिए। तो ये दौड़ किसने करी आपको मालूम है आज? ये दौड़ एक तो मेरे को लगता है फिटनेस का जो भावना डेवलप करने के लिए लोगों के अंदर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे काफी सारे बुजुर्ग अंकल लोग भी आ रखे हैं, काफी सारे बच्चे लोग भी आ रखे हैं, तो मेरे को लगता है कि फिटनेस की भावना डेवलप करने के लिए मेरे को बहुत बढ़िया लगता है कि ऐसा फिटनेस की भावना डेवलप। जी जी बिल्कुल। किसने पहुंचे, क्या हो रहे हैं आप? भागने के लिए, आपको शीघ्र ही भागने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए। सर वोटिंग अवेयरनेस के लिए ताकि हमें जानकारी मिल पाए किन्होंने नहीं किया है सर, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट हो सके सर डेमोक्रेसी में, तुरंत जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आपको नहीं मालूम है? नहीं नहीं मालूम है, मालूम है। थोड़ी देर में अपना तो चल गया डेमोक्रेसी के लिए। जय जवान, वोटिंग अवेयरनेस। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी सर, आज यहाँ मैराथन है सर, किस चीज के लिए? डेमोक्रेसी के लिए, वोट के लिए, वोट के लिए। क्या कहना चाह रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट करना चाहिए ताकि हमारे देश में सही डिसीजन लिया जा सके डेमोक्रेसी के लिए। अच्छे से अच्छा कैंडिडेट हम आई टी में, आई टी रुड़की, GMS2 ग्रीन में मॉडर्न स्कूल 2 मॉडर्न स्कूल 2 से आए हैं। बेसिकली फिट इंडिया बच्चों को फिट बनाने के लिए, पूरे नेशन को फिट बनाने के लिए हम लोगों ने करा है। वी आर आल्सो पार्टिसिपेंट, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सभी लोग अपना पंजीकरण करवा लें, टीशर्ट प्राप्त कर लें, बिब नंबर प्राप्त कर लें। लगभग 50 स्टूडेंट हमारे ग्रीन वे 2 से, ग्रीन वे 1 से, दोनों से मिला कर आए। अच्छा, मतलब फिटनेस के लिए, बेसिकली फिटनेस के लिए। और कोई पर्पस इसका? मेन फिटनेस, हैप्पी रहे, खुश रहे, अच्छे से पढ़ाई कर पाए, मेंटली स्ट्रांग रहे। इस संदेश को लेकर दौड़ दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश पूरे इंडिया को फिट करने के लिए बन रहा है। को नकारा नहीं जा सकता। यादव है, मैं ग्रीन वे 2 से हूँ। एक्चुअली ये रेस जो हो रही है वोटिंग अवेयरनेस के लिए, टीनेजर एज को ये बताया जा रहा है कि वोट अपकमिंग इयर्स में जब वो 18 प्लस होंगे तो ये वोटिंग किस तरह से की जाती है, तो बच्चों को एक मेमोरी रहेगी। जब हम टीनेजर एज में थे तो हमने एक वोटिंग के लिए अवेयरनेस के लिए मैराथन रन करी थी सर। स्वतंत्र निष्पक्ष और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना में मजबूत करने के लिए बिल्कुल सर मतदान का बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्बन एरिया रहता है या रूरल एरिया रहता है? जी सर, भारतीय चुनाव आयोग कम रहती है वोटिंग के साथ। राज्य चुनाव आयोग, एक्चुअली जो अर्बन एरिया होते हैं वहाँ पे लोग क्या होते हैं कि वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनको इस चीज की नॉलेज नहीं होती है कि वोटिंग भी एक चीज है जिसके थ्रू हम अपने प्रतिनिधि को चुन सके। सोशल मीडिया से कनेक्टेड होती है रूरल एरिया जो है, जो हमारा जो गांव वाला एरिया है वो कम जो है वो सोशल मीडिया से कम कनेक्टेड है और उन्हें वोटिंग के बारे में अच्छी जागरूकता नहीं है।